कतिश, नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। क्या कहना है आज समाज के रहने वाले लोगों का उनके बारे में, जानते सीधा लोगों से डायरेक्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अमन जी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या काम करते हो? मैं सर एमटेक किया मैंने। ओके। और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। ओके। ईएसआई हॉस्पिटल लुधियाना में पोस्टेड एज ए क्लर्क। ओके सर। डेरा सच्चा सौदा के बारे में मैं जानना चाहूँगा, पिछले 3 सालों में बहुत कुछ डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया, कितनी सच्चाई है उन बातों में, क्या जानते हो आप उसके बारे में? मुझे 2008 से मैंने नाम लिया डेरा सच्चा सौदा से, और मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ गलत नहीं दिखा है। तो क्योंकि वही बंदा बता सकता है जो यहाँ रेगुलर आता है ना, जो बंदा यहाँ नहीं आया है उसको इसके बारे में क्या पता है ना। उसको अगर किसी को सच जानना है तो यहाँ आकर चेक कर सकता है। सर, आप 12 सालों से बता रहे हो कि डेरा सच्चा सौदा आ रहे हो, आपने क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं जब से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो? जी जी, तो हमारे पहले जो हमारे फादर साहब हैं पहले ड्रिंक वगैरह करते थे, तो सबसे पहले परिवार में ही जुड़ा था, तो उसके बाद मेरे फैमिली के सारे जो है मेंबर हैं उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा से नाम गुरु मंत्र लिया है। तो हमारे परिवार में, पूरे परिवार में कोई नशा नहीं करता, कोई ड्रिंक वगैरह, कोई मांसाहार या कुछ ऐसा कोई बुरी आदत नहीं है, और ख़ुद हम लोगों को इससे दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं ना। तो जो गुरु जी हैं डेरा सच्चा सौदा, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी, क्या शिक्षा देते हैं सत्संगों में अपने, जब लोग वहाँ जाते हैं, काफ़ी फॉलोअर्स जाते हैं, किस तरह का उनका व्यवहार होता है वहाँ जाने वाले लोगों के साथ? सबसे पहले तो जब गुरु जी गुरुमंत्र देते हैं तो वो 3 जो वचन मानते हैं मांगते हैं उसमें से, तो भी नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, और जो वैश्यावृत्ति है उससे दूर रहना है। उसके अलावा जब जाम पिलाया जाता है तो उसमें 47 नियम बताए जाते हैं, तो उसमें सभी यही हैं भी हमने समाज का कल्याण के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं ना अपने लेवल पे करें, किसी की धन से है ना हेल्प कर सकते हैं, या जैसे सत्संग या फूड बैंक वगैरह चल रहा है ना उसमें, तो हर हफ्ते या महीने में अपना राशन का जो है कुछ मतलब कि फास्ट वगैरह रखते हैं उसमें ना, उसमें तो वो जो इकट्ठा होता है वो गरीबों में बांटा जाता है। तो जहाँ कोई कुदरती आपदा कुछ भी आ गया, जैसे गुजरात में आया था, तो है ना, तो संगत अपना पैसा खुद लगा के वहाँ पे जाती है और लोगों का हाल चाल पूछती है वहाँ, उनका दुख दर्द दूर करती है। तो बहुत से कार्य हैं जो गुरुजी ने चलाए हुए हैं। तो सर, अगर हम देश की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज में नई दिशा देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए किस क्या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं जिससे समाज में बदलाव आया है? गुरुजी जैसे गुरुजी ने सभी को प्रेरित किया है कि अपना खूनदान वगैरह करना है ना, जो पूरी हमारी आर्मी है ना, डिफेंस का जो भी हमारे हैं, तो उनको हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है यहाँ पे है ना। हाँ जी। तो उसमें डेरा सच्चा सौदा का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूनिट्स हैं खूनदान जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा जो कोई भी हमारे यहाँ भंडारा मनाया जाता है तो उस पर पौधारोपण किया जाता है, उसका भी डेरा सच्चा सौदा द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो संगत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और देश के उन्नति लिए मैं मानता हूँ डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा हाथ है। जी सर। सर, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आरोप तो चलो वो तो चलो जो चल रहा है कोर्ट में केस चल रहा है इसके लिए, तो गुरुजी ने भी यही बताया था भी हम कोर्ट पर हमें पूरा अपना पूरा भरोसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो मुझे तो वैसे लगता नहीं ऐसा कुछ है, क्योंकि पूरे जो आरोप लगाए गए थे उसका कोई प्रॉपर सबूत तो है नहीं इनके पास, तो ये मेरा ख्याल है आने वाले समय में सब निराधार ही हैं, वो हट जाएंगे। जी सर। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि पहले तो यहाँ अगर चेक कर सकते हैं, प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जो सच को सच माने और सच दिखाए। जैसे मीडिया में बहुत ज़्यादा झूठ का प्रचार किया गया था, पर उनके करने के बावजूद भी यहाँ संगत बोझ बढ़ चढ़ के आ रही है, और यहाँ कुछ मिला भी नहीं उनको,
तो सरकार से ये अपील करना है अभी जैसे हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चला गया, तो उसका एक प्रॉपर बेंच कुछ बनाए ऐसा भी जिससे निरपक्ष जांच हो और सही हो सब कुछ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ अमन जी, जिन्होंने हमें रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में वो बातें बताई जो इन्होंने 12 सालों में देखा है कि किस तरह डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के लिए कार्य किए जा रहा है और यूथ को मोटिवेट करने के लिए करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है और भी बहुत सारे देश भलाई के लिए समाज भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा निरंतर कार्य करता रहा है। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टेक के साथ। धन्यवाद।